आमिर खान का सालों पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुंबई की सड़कों पर अपनी फिल्म का पोस्टर चिपकाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आमिर कैसे ऑटो रिक्शा पर फिल्म कयामत से कयामत तक के पोस्टर चिपका रहे हैं। यहाँ तक कि वो रिक्शा चालकों से फिल्म देखने के लिए निवेदन करते हैं। उनके साथ फिल्म के को एक्टर राज जोशी भी दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि पोस्टर चिपकाने के दौरान एक ऑटो ड्राइवर आमिर से नाराज़ हो जाता है और झगड़ा करने लगता है। बाद में आमिर ने उसे समझा बुझाकर शांत कराया था। कयामत से कयामत तक 1988 में रिलीज़ हुई थी। आमिर खान को इसी फिल्म से शोहरत मिली थी। फिल्म रिलीज़ के पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, इसी वजह से आमिर को खुद ही फिल्म के प्रमोशन की बागडोर संभालना पड़ी। वो अपने दोस्त को स्टार राजेंद्र नाथ जुच्छी के साथ मुंबई की सड़कों पर फिल्म के पोस्टर लेकर निकल पड़े। इस दौरान आमिर कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों को फिल्म देखने के लिए मना लूँ। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर ये पूछते हैं कि वो कौन सी फिल्म की बात हो रही है, वो एक्टर का नाम भी पूछते थे। फिर मैं उन्हें बताता था कि मैं आमिर खान हूँ। फिर वो पूछने लगते थे कि आमिर खान कौन है। इस तरह हमने लोगों को अपने बारे में बताने की पूरी कोशिश की। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।